हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। सो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है इन ट्राइंगल एबीसी, दिस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी, इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एंड सेकेंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो गाइज, ये प्रॉब्लम जो है जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो वैल्यूज चाहिए उनके लिए हमें इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनका लेंथ पता होना चाहिए। सो गाइज, हमारे पास वैल्यू गिवन है 10a का, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है प्रॉब्लम में ऑलरेडी एंड उसका वैल्यू है 1/√3। एंड हम सभी जानते हैं कि 10a का या फिर 10 थीटा का फॉर्मूला होता है साइड ऑपोजिट डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट। नाउ अगर इस हिसाब से हम देखें तो अपोजिट साइड 10a, a की रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं अपोजिट साइड है साइड bc एंड एडजेसेंट साइड है साइड ab। तो नाउ हम यहां से अज्यूम करते हैं दैट ab का वैल्यू है √3x। x हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि इसका वैल्यू √3 ही होगा एंड इसका वैल्यू x ही होगा, सॉरी 1 ही होगा। तो हमने x को एक ऐसा मल्टीपल लिया है जो दोनों में कॉमन हो सकता है। सो गाइज, ab का वैल्यू हमने लिया है √3x बिकॉज 10a हमें गिवन था, तो वहां से ab का वैल्यू आया √3x एंड bc का वैल्यू आया x। नाउ गाइज, हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूस का वैल्यू एंड हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC square is equal to AB square plus BC square, right? अब हम यहाँ पे AB and BC इन दोनों का वैल्यू रखेंगे, square को ओपन करेंगे, then हमारे पास वैल्यू रह जाएगा 4x square and जब आप दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो AC का वैल्यू आएगा 2x। Now हमारे पास ABC, इस पूरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हमारे पास साइड लेंथ है। सो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी, यही चारों हमारे यूज होने वाले हैं, तो इन चारों वैल्यूज को हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइड ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए की रिस्पेक्ट में अगर मैं साइन का वैल्यू निकालूं तो ऑपोजिट साइड है बी सी एंड हाइपोटेन्यूस है AC, सो BC by AC हो जाएगा x by 2x, तो साइन A का वैल्यू आया 1/2। नाउ साइन C, फॉर्मूला सेम है, साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, बट यहां पे एंगल बदल गया है। सो C के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है साइड AB, नाउ एंड हाइपोटेन्यूस तो सेम ही है AC, तो √3/2x, x से x कैंसिल हुआ एंड वैल्यू हुआ √3/2। सेम cos a का वैल्यू क्या होगा, साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। सो a के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड है ab, सो √3x/2x एंड वैल्यू आया √3/2 एंड cos c का वैल्यू हो जाएगा, c के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड है bc, सो x/2x एंड वैल्यू आया 1/2। नाउ हमारे पास ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सो हमें जो कैलकुलेट करना था, फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसमें हम यहां से जो चारों वैल्यूज हमें निकालना है, हमने निकाली हैं, उनको पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा, साइन ए का वैल्यू था 1/2 एंड कॉस सी का 1/2, एड करेंगे cos a का वैल्यू था √3/2 एंड sin c का भी वैल्यू था
रूट थ्री बाय टू। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर ओपन करने के बाद 1/4 प्लस 3/4, तो वैल्यू आया 4/4, एंड 4 से 4 कैंसिल हुआ, लास्ट में हमारा आंसर आया 1। ओके, सो पहला जो हमारा पार्ट था इस प्रॉब्लम का वो हमने सॉल्व किया, उसका आंसर आया 1। नाउ सेकंड पार्ट था cos a cos c माइनस sin a sin c। हम वही चारों वैल्यूज को फिर से पुट करते हैं, तो रूट थ्री बाय टू इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू रूट थ्री बाय टू। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री बाय फोर माइनस रूट थ्री बाय फोर, एंड सेम वैल्यू को सेम वैल्यू में से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। सो जो प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट था उसका आंसर आया हमारे पास 0। सो देखा आपने, इस प्रॉब्लम में हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, जबकि दिखने में ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हमने सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था उसका यूज़ करके थर्ड साइड का अपना वैल्यू निकाला, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो यूज़ होने वाले थे उनका वैल्यू कैलकुलेट किया एंड प्रॉब्लम में पुट कर दिया। सो इसी से ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजीली सॉल्व हो गया। ओके गाइज, थैंक यू। TutorialsPoint.com, simply easy learning.